एंड वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। सो दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट निफ्टी साइडवेज मूव था और बैंक निफ्टी 574 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। सो फटाफट कल जो चार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं स्टॉक्स के, उसका एक रिव्यू करते हैं कि क्या हुआ। अब अगर हम बात करें टीवीएस मोटर का, जो मैंने कल डिस्कस किया था, सो टीवीएस मोटर ऑलमोस्ट 2.5% अप रहा। ये इंट्राडे का चार्ट था जो मैंने बोला था, यहाँ एबीसी ब्रेकआउट और इसके ऊपर अगर जाता है 1140 के ऊपर, 4545 के ऊपर, सो ये एक बुलिश बायस बना था और वहां से ये 1167 तक किया था, ऑलमोस्ट 2.5% पर था। पीएफसी जो कि डाउनसाइड का मैंने चार्ट पे ऑब्जर्वेशन किया था और चार्ट सेटअप पे डिस्कस किया था, सो वो ऑलमोस्ट 2.59% डाउन था आज। इंफोसिस का जो बुलिश साइड मैंने डिस्कस किया था और बोला था कि अगर प्राइस 1430 यानी 35 के ऊपर अगर जाता है, बिकॉज डबल टॉप बाय इसके ऊपर था, ट्रिपल टॉप होता, तो ये एक पॉसिबल अपसाइड का कैंडिडेट दिख सकता है, लेकिन वहां तक प्राइस नहीं गया, सो ये एक्टिवेट नहीं हुआ इंफोसिस का। और एबीबी जो क्लियर बेरिस साइड था कल, और नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि अगर रेनको पे ट्रेड कर रहे हैं तो कोई भी बेरिस स्विंग ब्रेकआउट मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, तो बेरिस स्विंग ब्रेकआउट नहीं, सो इंफोसिस और एबीबी ट्रिगर नहीं हुआ। और आपका टीवीएस मोटर एंड पीएफसी ऑलमोस्ट 2.5% 2.5% 3% रिटर्न। सो ये रहा कल का जो डिस्कस किया मैंने स्टॉक्स का। अब आते हैं निफ्टी का। अब दोस्तों आज देखते हैं निफ्टी का बिहेवियर क्या हो रहा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। ये निफ्टी का रेनको चार्ट है जो एवरी डे में इंडिकेट करता हूँ। सो कल का जो बेयरिश लेवल था 17,745 के नीचे था, आज उसके नीचे प्राइस नहीं गया। और अगर हम देखें सो ये एक डी स्मार्ट लाइन में जहां भी बी इंडिकेट होता है, जो सो ये पुलबैक ट्रेड, सो ये पुलबैक ट्रेड पे आपका एंट्री हो सकता था जो 17,810 पे, और उस समय 17,745 का एक बेयरिश साइड यानी स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो कि वो एक दिखा था, और वहां से प्राइस। सो ये पुलबैक, या अगर एरो मार्क जो आपको दिख रहा है, ग्रीन एरो ब्लू एरो, सो ये अगर ब्लू एरो पे भी आप एंटर कर सकते हैं, तो आज के दिन एंट्री आपका जो दिख रहा था 17,801 पे, 810 बेयरिश साइड ट्रिगर नहीं हुआ, सो कंटिन्यूअस बुलिश हो रहा। और जो मैंने अभी भी बताया कि आज के डेट में अगर 17,740 स्टिल ये बेयरिश लेवल है फॉर मंडे, बिकॉज कल मार्केट क्लोज है निफ्टी के लिए। अब अगर बैंक निफ्टी का बात करें, सो बैंक निफ्टी बुलिश रहा, इसका कल के लिए मंडे के लिए जो बेयरिश लेवल है 41,715, ये आप नोट करो, 41,700 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो ही बेयरिश आप अपॉर्चुनिटी देखो, कोई भी बेयरिश ब्रेकआउट, बेयरिश स्विंग ब्रेकआउट रेनको पे या डबल बॉटम सेल पीएनएफ पे या कोई भी अगर आप अदर पैटर्न मेथड आप देख सकते, जैसा मैंने बताया एरो पे आप बाई कर सकते हो। सो आज के लिए जो एंट्री जो था यहाँ पे 41862 यानी 865 पे आपका एंट्री था, और वहां से प्राइस जो है 42,198 यानी ऑलमोस्ट 2-300 पॉइंट का अप। सो वंस अगेन एक रिपीट करता हूँ, 41,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे में जाता है, सो वहां से एक बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है इंट्राडे में, और अगर 17,740 के नीचे निफ्टी जाता है तो आप बेयरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हो इंट्राडे फॉर मंडे के। ईओडी बेसिस पे प्राइस अभी भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे है, कोई भी चेंजेस नहीं है जो मैंने कल डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक जा रहा है, सो ये एक पॉसिबल एक सप्लाई जोन हो सकता है। अगर इसके ऊपर अगर जाता है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट आता है, सो एक उसकी बात का नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी। अब आते हैं देखते हैं कि कल के लिए कुछ स्टॉक्स जो इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। सो फर्स्ट स्टॉक्स जो है कॉनकॉर्ड, अगर हम ईओडी का बात देखें सेटअप, तो ये एक पैटर्न रीटेस्ट है, बुलिश पैटर्न रीटेस्ट 0.15 पे सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड में फॉर्म हुआ है, और अपसाइड जो काउंट है 615-626 का है बुलिश पैटर्न। आप नोट करो किस लेवल के ऊपर ये मंडे के लिए बेयर बुलिश हो, सो 607 के ऊपर अगर 1 मिनट पे क्लोजिंग आता है 607, या अगर आप 610, 607 या 610 के ऊपर अगर आता है, तो आप एंट्री ले सकते हो। 626 का एक दिख रहा है काउंट, ये अगर 617 का है
सो ये भी 641 का ये दोनों काउंट ओपन है। पैटर्न फेल कितने कहां पे हो जाएगा, अगर 598 के नीचे अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। सो पैटर्न फेल अगर प्राइस अगर एक्टिवेट नहीं होता है, यानी 610 के ऊपर प्राइस नहीं जाता है, सो वहां पे आपका तब तक आपका एंट्री नहीं रहेगा। अनदर चार्ट जो है, जो चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिखा है बुलिश साइड एचडीएफसी का। अब अगर एचडीएफसी की बात करें, लास्ट जो पीएनए पैटर्न जो दिख रहा है आपको ट्रिपल टॉप है, मेजर कंसोलिडेशन हुआ था, ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का कंसोलिडेशन, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है सो ये एक काउंट जो अपर साइड काउंट जो दिख रहा है 2839 और 2908 का, अगर 2800 2800 आप नोट कर सकते हो, उसके ऊपर जाता है तो ही आप बुलिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक दिख सकता है। जो पैटर्न फेलियर लेवल जो है 2750 के नीचे अगर आता है तो यह पैटर्न फेल हो जाएगा। अपर साइड काउंट आपको ऑलरेडी मैंने चार्ट पे प्लॉट। अनदर बुलिश साइड जो दिखा है टाटा मोटर। अब अगर टाटा मोटर्स की बात करें सो ये एक कल बुलिश मोमेंटम था, कल परसों, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ है। सो अगर प्राइस अगर 475 के ऊपर अगर जाता है तो अपर साइड काउंट 490 का एक ओपन है, ये एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। पैटर्न जो फेल हो जाएगा 464 के नीचे अगर प्राइस अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल है। सो इसका एंट्री लेवल यानी बुलिश लेवल आप बोल सकते हो कि अब बुलिश कितने के ऊपर होगा, तो अगर प्राइस 475 के ऊपर जाता है तो, और अगर प्राइस 464 के नीचे अगर आता है तो पैटर्न फेल हो जाए। सो ये रहा तीन बुलिश स्टॉक। अनदर एक बेरिस स्टॉक जो दिख रहा है कोरोमंडल, यहाँ एक पैटर्न रीटेस्ट, बेरिस पैटर्न रीटेस्ट मुझे दिख रहा है, ये पैटर्न रीटेस्ट एरिया है। अगर प्राइस आप अगर 45 डिग्री ट्रेल लाइन अगर इस पे ड्रॉ करो, ये 45 अगर इसके प्राइस अगर इसके नीचे अगर आता है, कहीं ना कहीं ट्रेड होता है 924 के नीचे अगर ट्रेड होता है, सो ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपको फ्रेश बेरिश साइड आप देख सकते हो। पैटर्न फेल हो जाएगा 940 के ऊपर अगर प्राइस अगर जाता, सो ये कोरोमंडल का है बिकॉज ऑफ बेरिश पैटर्न रीटेस्ट दिख रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ से रहता है डाउनसाइड का, जो जैसे ये हुआ है, सो ये पॉसिबल 904 और यहाँ पे एक सपोर्ट का ले सकता है इस एरिया। सो ये तीन चार स्टॉक्स रहा। सो होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। सो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यानी मंडे को फिर मिलते हैं कुछ स्टॉक्स के साथ, कुछ अलग स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच।